साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। सिपाही बहाली परीक्षा 7 अगस्त से होम सेंटर नहीं यानी गृह जनपद में सेंटर नहीं बनाया जाएगा। 21,391 पदों पर होगी बहाली, पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी परीक्षा। मामला है बिहार पुलिस का। बिहार में सिपाही बहाली की रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार 21,391 पदों के लिए 6 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत 7 अगस्त से होने जा रही है। इसके बाद 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त और अंतिम चरण में 28 अगस्त को एग्ज़ाम कराया जाएगा। इन सभी चरणों में सिर्फ पहली पाली में दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। सभी अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके लिए सभी जिलों में 500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार किसी भी परिस्थिति में होम सेंटर नहीं दिया जाएगा। याद रहे कि सिपाही बहाली की यह परीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित की गई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस मामले में अभी ईओयू कर रही है जांच। सभी तय मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों के चयन सहित अन्य कार्यों के लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है। यह पत्र केंद्रीय चयन परिषद सिपाही बहाली के अध्यक्ष ने लिखा है। इसमें सभी डीएम को संबंधित जिले का परीक्षा संयोजक मनोनीत करने की बात कही गई है। तो बड़ी अपडेट है भाई, बिहार में 21,391 पदों पर जो सिपाही भर्ती की बहाली की गई थी उसके लिए परीक्षा 7 अगस्त से आयोजित कराई जा रही है। नकल विहीन परीक्षा होगी।